सुनते ही बैठे उसका एरिया में एसआई एसकेएसवाई और एएसआई एमएस नायक और उनका टीम ब्लॉकिंग करके व्हीकलर चेकिंग कर रहे थे। उस टाइम एक छत्तीसगढ़ का फोर्ड फिगो गाड़ी चेकिंग करते वक्त उस गाड़ी में चार ट्रॉली बैग मिले थे और चार ट्रॉली बैग लॉक अवस्था में मिले थे और उसका चेक किया तो उसमें पूरा 500 रुपी नोट का बंडल्स का फेक करेंसी मिले थे। तो उसका पूछताछ करने से वो पता चला कि वो तीन लोग जो गाड़ी में हैं वो लोग और उसका अलग बाकी एसोसिएट्स ने रायपुर में उसका प्रिंटिंग कलर जीरोक्स प्रिंटिंग करा के और उसका लेके जा रहा है रायपुर से वाइजैक को किसी को वो डिलीवरी देने वाले हैं। तो उसमें पूरा है 1580 बंडल्स का, सभी 500 रुपी डिनोमिनेशन का नोट्स है और हर एक बंडल में 100 नोट्स का, पूरा 7.9 करोर, दैट इज 7 करोर 90 लाख का फेक करेंसी है और सभी सीज किया गया है और तीनों लोग का अरेस्ट किया गया है और तीनों लोग बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ स्टेट का जांजगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट का और पूरा सीजर में हुआ है और जो 7.9 करोर का फेक करेंसी कंप्राइजिंग ऑफ 1580 बंडल्स, हर एक बंडल में 100 नोट का, 500 डिनोमिनेशन का 100 नोट्स और एक फोर्ड फिगो कार और 5 मोबाइल फोन और कैश ऑफ 35,000 रुपीस और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड्स सीज किया गए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बाकी लोग उसका ग्रुप में जो लोग शामिल है उसको जल्दी पकड़ेंगे और उसका पूरा चेन को जल्दी उसको इन्वेस्टिगेशन में बाहर करेंगे। एनी पॉलिटिकल कनेक्शंस का कुछ पता नहीं है। ये जो एक्चुअली ये नोट्स जो मिला है वो हाई क्वालिटी नोट्स नहीं है, वो एक्चुअली ध्यान से देखने से उसमें सिक्योरिटी थ्रेट और बाकी चीज़ें पता लग जाता है कि वो फेक है लेकिन अगर जेन्यून करेंसी नोट्स का साथ मिला हुआ है तो आम आदमी वो जो चीट हो जाता है वो उनमें काउंटिंग में या वो प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेड को नहीं देख लिया तो ध्यान से वो नोट नहीं देखे तो वो चीट हो जाता है, वो जो रेगुलर नोट समझ के और वो जो ट्रांजैक्शन में आ सकता है। तीन आदमी का पीछे कोई इंटरेस्ट और जानकारी मिले? अच्छा, अभी जो आंध्र प्रदेश में पंचायत निर्वाचन चल रहा है कुछ लिंकेज अभी तक तो कुछ पता नहीं। पैसा कहाँ ले रहे थे? जाल नोट हो अगर आप बोल रहे सर पैसे इनको क्या चाहिए इंट्रोगेशन में जितना पता चला है कि वो लोग रायपुर से वाइजाग लेके जाने वाला है और वहाँ किसके हाथ में देना है वो उनका एसोस पता नहीं है। ये पूरा कॉन्स्पिरेसी में ये लोग एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी है, बाकी लोग को पकड़ने से बाकी चीजें बाहर आए। अभी तक कोऑर्डिनेशन अभी केस रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी आगे जाके कोऑर्डिनेशन करके आंध्र और छत्तीसगढ़ का पुलिस के साथ।